आपने जो इंट्रो वगैरह देखा था वो हमारा रास्ते का पार्ट था। तो ये हमारी आज की छोटी सी ट्रिप की अनएक्सपेक्टेड ट्रिप जिसे हम कहेंगे। और ये ट्रिप अनएक्सपेक्टेड क्यों थी वो अभी अभी आपको ब्लॉग में धीरे धीरे पता पड़ेगा। ये हमारे मुरैना के ही आउट में बहुत ही अच्छी जगह है। क्या नाम क्या है इसका? बटेश्वर मंदिर। बटेश्वर, ये आप यहाँ पे देख लीजिए कि किसके द्वारा डेवलप की गई है, कब क्या कैसे क्या है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे कोई हमें गाइड वगैरह मिलेगा तो हम उनसे ज़रूर इस बारे में और जानेंगे। इस जगह को देखिए, एकदम शांति भरी प्रिय माहौल। अब पूरा ब्लॉग का पार्ट में यहीं शूट कर लूँगा तो आपको अंदर क्या दिखाऊँगा, अंदर भी चलना चाहिए। yeah, baby. Yeah. ये देखिए देखिए क्या, वो तो तुम देख ही रहे होंगे, कहने से ही तो ना देखोगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मैं एक बार यहाँ पे छोटे में आया था, अब मैं आया हूँ क्या मोर। हाँ बुरा ही मोर यार। हाँ हाँ देख, वो तो मैंने शुरुआत में दिखा दी। तो जब मैं यहाँ पे छोटे में आया था तब इतनी यहाँ पे अच्छी वो नहीं थी, ऐसी रोड वगैरह नहीं बनी थी, छोटी सी, मोर वगैरह का तब का ध्यान नहीं है। बट अब ये जगह बहुत अच्छी हो गई है, एकदम घूमने लायक। और ये इतने आउट में बनी है तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जगह इतनी अच्छी भी होगी। आप वीडियो को पॉज करके इसको यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये हिंदी में और ये इंग्लिश में। फॉरेन व्यूअर के लिए इंग्लिश वाला। हाँ इंडियन व्यूअर के लिए हिंदी वाला। हिंदी वाला। और अगर आप बोलोगे कि इंग्लिश में पढ़ के बताऊँ तो वो मैं आपको रॉ बता ही रहा हूँ, वो आप मेरी भाषा में फिर सुनते जाना। तो मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली के बाद में ऐसी जगह पर आना तो बनता ही था। और दिल्ली का भाग हमारे साथ यहाँ भी आया है। आपको याद ही होगा पानी ने हमारा कितना काम खराब किया था। लो एक बार फिर से पानी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैं ऐसी टाइमिंग और ऐसा ही माहौल चाहता हूँ किसी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। ये आराम से अपन यहाँ पे घूम सकती है, बातें कर सकती है, जो एक ब्लॉगर को अच्छा लगता है शांति। जो आउटसाइड वाली जगह होती है वहाँ पे क्या लोगों को ब्लॉगिंग के बारे में इतना पता नहीं होता है, ऐसे घूर के देखते हैं, वो भी यूज टू नहीं होते हैं। फिर एकदम से वो देखते हैं कि कोई एक इंसान त्रिशूल सा लेके निकलता हुआ चला गया। अब आपको लेके आते बहुत ही खतरनाक जगह पे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पैर टच, हमारे अभी स्लीपर्स भारी हैं तो इसके अंदर जाएं, पैर छूने, स्लीपर्स उतार के जाएं। डरावनी जगह भी है, हॉन्टेड प्लेस। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ये तो बहुत डरावनी सी जगह लग रही है। ये है जगह घूमने लायक। देन जब इस एरिया में आया हुआ था उसने बहुत सारी मूर्तियां खंडित करी थी इस पूरे एरिया की, बट कुछ कुछ यहाँ पे बची हुई हैं। जैसे चलो ये तो यहीं है, कुछ कुछ बची हुई हैं। चलो अब इसके अंदर इस तरफ से ना देखो, घूमने वाली जगह पर जो लोग घूमते हैं भातों पर अभी घूम ही लेंगे। अपन जावे ऐसी उल्टी सीधी जगह पे जहाँ आपको कोई ले ही ना जा सके, वहाँ से हमारी तरह आतंकी लोग ले आ सके। तो अब आप देख रहे होंगे मोर की आवाज आना स्टार्ट हो गई है। मोर वंस मोर से कोई ये बोले वन मोर टाइम वंस मोर। समझ रहे हो ना, कहीं वो वंस मोर का मतलब ये नहीं समझे। एक और मोर करनी है। ये आप इस पूरे मंदिर का ओवरव्यू एक बार देख सकते हो। एक मैं उसी जगह पे जाना चाह रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको वहाँ से पूरे उस मंदिर का ओवरव्यू दे सकूँ। आप यहाँ से देख सकते हो पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। इस पे चढ़ जा। नहीं वो किसी के देवता हैं, उस पे चढ़ जा। अगर आप लोगों को पता नहीं हो तो जो अपने एंसेस्टर्स होते हैं उनके लिए ऐसे बनाया जाता है। मेरा तो यहाँ पे तो कह रहा अपन घूमिएंगे, मेरा मन कर रहा है अपन चले वाइल्ड लाइफ ब्लॉगिंग। ब्रो देख रहे ब्रो लास्ट ब्लॉग ना हो आई ना पाई क्योंकि बरसात का मौसम भी है,
तो यहाँ पे कहीं अपना लास्ट ब्लॉग ही ना रहे होके रह जाए, हम यहाँ पे खूब खा नहीं आए। इस ब्लॉग को डालेगा कौन फिर? हमें डालेगा कौन? अगर नहीं आएंगे इससे आगे जंगल ही जंगल है घना, फिर वहाँ तक चलना है मिट्टी। चलो तो मिट्टी तक चलते हैं। बस वहाँ से आएंगे तू मुझे मत कहना, तो एक बार तू नहीं मेरा मस्त प्लान है। इसी जगह पर कूदने का मन कर रहा है, देखो अलग ही फील आ रही है। मैं पीछे रहता हूँ बैकअप। हाँ ये बैकअप के लिए पीछे। चलो सेरा चलो सेरा क्यों गिर पड़ेंगे ये जो रस्ते नहीं गिर पड़ेंगे, पैर पड़ेंगे। अरे पैर क्यों पड़ेंगे, अपन तो ऐसे ऐसे जा रहे हैं। आइए भैया मैं हाथ पकड़ के रहो, ये तो भूलभुलैया टाइप की पीला आ रही है, खूनी आए हाथ। हाँ भैया पूरी बात बोला करो सर, इसके अंदर जाने का मन कर रहा है मेरा तो। ये उसमें गाना है तारक मेहता का सॉन्ग है, ये पब्लिक है ये सब जानती है। तो अपनी पब्लिक तो बहुत कुछ जानती है, ऐसी बातें जानती है जो अगर कोई क्रिएटर या सेलेब वो बात हो करते, ये बात सच है तो अपन को अच्छा नहीं लगता है। और अपन एक दिन में भी ऐसी बातें बहुत बार करते हैं, वो कोई बात नहीं, हम भी समझ रहे हैं। कहाँ गुस्सा है बहुत। अगर अपन किसी को बताओ ना तो अपन यहाँ बैठे हो सर, अपन इसका नाम रख दो कुछ और, कुछ भी, वो कौन है? अजंता ही गुफा। अजंता ही गुफा ब्लॉग का टाइटल। बट अपने व्यूअर्स में से कोई यहाँ पे विजिट किया तो वो अजंता ही गुफा में जाएगा, वहाँ पे उसे ये बिल्डिंग नहीं मिलेगी, फिर क्या होगा? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। बीच में यहाँ पे अगर आप थक जाओ तो आप नहा भी सकते हो इसमें कूद के, और बाहर निकलना ही आप। हाँ ये आपकी जिम्मेदारी है, हम तो आपको एक मार्ग बता सकते हैं कि आप इसमें ना सकते हो। अब आना कैसे वो आप जानो। तो आपका नाश करा सकते हैं हम, तो आपका नाश करा सकते हैं गाइस, आप बुरा मत मानना। फिर आना कैसे वो आप डिसाइड कर लेना, और कितना इसकी डेप्थ है वो भी नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। चल तो चलूँ का कदम रखा भाई बात, कदम का इस पर रखूँ इस पे आवे ऐसे। पग आगे बढ़ाओ। अरे फिर भैया पग कहाँ आगे बढ़ाऊं, मरना तेरे को डर नहीं लगता? अब तुम तो मेरे उस पे चल रहे हो, मेरे बताए हुए मार्ग पे, बट मैं किसके मार्ग पे चलूं? पग आगे बढ़ाओ। जो शंकर भगवान की पूजा करती है वो वाले नहीं, महाकाल वाले नहीं, जो दो सुट्टा लगा के अपने आप को शंकर भगवान का भक्त कहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो रियल में इन्हें मानते हैं, वो एक बार जरूर इस प्लेस पे आइए। पुलप गुरु ये इन्हें बचाने के लिए है, ऐसा ना हो अपन पुलप दें अपने सातवीं रैप में ये अपन दोनों वापस देखे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? चल रहा है बनाओ। क्योंकि ये इसे खंडित कर दिया गया था तो इसलिए इसका रिकंस्ट्रक्शन बहुत टाइम से चल रहा है। अब इस तरफ अब तो अपन पैर तो रखा हुआ, अपन जबरदस्ती कर रहे हैं। आया अब तो तुम आई जाओ, अब अरे अब तुम मेरे पीछे पीछे आओ। आपको हम आउटसाइड द बॉक्स दिखा रहे हैं, इनसाइड द बॉक्स आपको सब दिखाएंगे। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी आपको ब्लॉग में आगे पता पड़ेगी, इस बात को बस याद रखना, आउटसाइड और इनसाइड द बॉक्स। बताओ लेके आया ना। देखो वैसे मेन प्लेस हाँ वही तो, वही तो मैं बता रहा हूँ, वैसे मेन प्लेस ये है, पर हम आपको इनसाइड द बॉक्स ले गए थे, अब आपको ले आएंगे आउटसाइड द बॉक्स। अब आप चलिए, यस यस आप तो बस बैठिए इंजॉय करिए। कमेंट करके, अरे नहीं अपन वो वाला काम करते नहीं है, मैं किसी दिन लाइव आ जाता हूँ, आप मुझे सब कमेंट में बताए ना कि भैया इस दिन लाइव आ जाओ, फिर आप वो सुपर चैट के नाम की भीख मुझे दे देना, मैं इसको 150 रुपए वाला बोया का फर्स्ट कॉपी वाला माइक दिलवा दूंगा। प्लीज गाइस हेल्प अस, आपको और ऊपर लिया जाए। अभी अपन सब बात हुआ और अपन उस जंगल की ओर बढ़े थे। चलो चलो ब्रो और ऊपर। तुम यहाँ पहले अच्छा आए तो आए थे यहाँ पे, एक जगह याद नहीं आ रही मुझे। मैं आया था बट मैं उस टाइम पे मे बी 5th क्लास में था। हाँ वहाँ से पूरा ये देखिए, मेरा तो मन कर रहा है देव को यहाँ पे लिटा के इसको ऐसे धक्का दे दूँ, थोड़ा सा पुश कर दूँ, दो छू।
यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो गाइस। मैं सोच रहा यहाँ पे बैठ सकते हैं, फिर मैंने उसकी कंडीशन देखा तो देख ही सकते हैं। लो ओवरव्यू, आपको अगर और ओवरव्यू यहाँ का और अच्छे से व्यू देखना है तो हाँ, ये मैं कहने वाला था। तो अब आप खुद भी आ जाओ, खुद काम खुद से भी कर लो, और यहाँ के अब आप देख लेना। मैं इतनी धमकी हम इतना ही दिखा सकते हैं। अगर आप सोचो कि हम उस चोटी पे चढ़ के आपको दिखा दें तो अब तो पॉसिबल होगा नहीं। इस चोटी की बात कर रहा हूँ, इस पर चढ़ के दिखाए तो पॉसिबल नहीं होगा, बट ये तो हंसी मजाक की बात है। अब जरा आप मेरी तरफ करिए, मैं ऐसा क्या बोल रहा हूँ। सो आप इस पर एक कोट देखिए, बोलो जरा देवी से, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। थिंक आउटसाइड द बॉक्स, तब से मैंने इस एक कोट के हजारों कोट बना दिए है। थिंक वाइल्ड ड्राइविंग स्कूटी, इस टाइप के हमारे यहाँ पे क्या कोर्सों का ऐसे उन्हें उनका सर्वनाश किया जाता है। उनका यूज़ तो बहुत ही कम करते हैं, सर्वनाश ज़्यादा करते हैं। तो तब से हम वही कर रहे थे। तो अभी जो आपको अभी ब्लॉग में मैंने बात कही थी ना, इनसाइड आउटसाइड वाली, वो इससे रिलेटेड थी। सो अब मैंने इस एक को पहना है, तो उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे विजिट करके देख लेना। मैं यहाँ पे कुछ रील शूट कर रहा हूँ, तो अब उन्हें चेक इन कर लेना, जस्ट अ प्रमोशनल थिंग। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये ब्लॉग लंबा खींचेगा तो इस ब्लॉग की एंडिंग मैं यहीं करूँगा। और अभी हम एक दो जगह को और विजिट करेंगे, वो मैं इसको पार्ट को काट काट के आपको आगे आने वाले ब्लॉग में पता पड़ेगा। सो तब तक के लिए, और अभी तो इस ट्रिप की छोटी सी शुरुआत हुई है।